दोस्तों फ्रेंड्स, आज मैं आपको कुछ ऐसे प्लांट्स सिखाना चाहूँगी जो बहुत ही हार्डी होते हैं और बिल्कुल लो मेंटेनेंस में चलने वाले प्लांट्स होते हैं। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है और आप ही गार्डनिंग का शौक़ रखते हैं तो ऐसे प्लांट्स को अपने गार्डन में ज़रूर से ऐड करिए। और फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है शेयर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आइए अब आते हैं अपने टॉपिक पर। फ्रेंड्स, मेरा जो पहला प्लांट है वो है कनेर का और ये बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। फ्रेंड्स, रोड साइड अमोना आपको देखने को मिल ही जाएगा ये प्लांट। और अगर बहुत ही लो मेंटेनेंस में चलने वाला प्लांट है, अगर आप इसको दो तीन दिन पानी नहीं भी देते तो भी बहुत अच्छे से ये चल जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपके यहाँ भी टेम्परेचर गर्मियों में 40-45 डिग्री तक पहुँचता है तो आप इसे भी अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। बहुत ही तेज़ धूप में अच्छे से चलने वाला प्लांट है ये। फ्रेंड्स, ये मेरा जो अगला प्लांट है वो है चंपा का। ये भी बहुत ही हार्डी प्लांट होता है फ्रेंड्स और ये भी अक्सर हमें रोड साइड वगैरह देखने को मिलता है। और फ्रेंड्स, इसे भी बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती और फ्रेंड्स, इसे भी बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र या वाटरिंग की ज़रूरत नहीं होती। इसे भी आप अपने गार्डन में बहुत आसानी से ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरा जो अगला प्लांट है वो है देसी गुड़हल का। और हाइब्रिड में तो थोड़ी सी केयर ज़्यादा चाहिए रहती, लेकिन इसे बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती। बहुत अच्छे से ये फ्लावरिंग करता है बिल्कुल लो मेंटेनेंस में और बस इसे वाटरिंग आप दिन भर में एक बार भी कर देते हैं। और फर्टिलाइज़र वगैरह अगर 15 दिन में एक बार भी 15-20 दिन में एक बार भी आप इसे फर्टिलाइज़ कर देते हैं तो भी बहुत अच्छे से ये फ्लावरिंग करता है, बहुत ही अच्छे से चल जाता है प्लांट। फ्रेंड्स, मेरा जो अगला प्लांट है वो है गोरीचोर। ये भी बहुत ईजी चलने वाला प्लांट है और बहुत ज़्यादा केयर इसकी की भी नहीं करनी पड़ती, बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है फ्रेंड्स ये। और इसे भी आप अपने गार्डन में बहुत आराम से ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगी। ये मेरे अमेर सेली में देखिए बर्ड्स आ रही हैं। ये देखिए स्टिक निकल के इसमें आती है ऐसे फ्लावरिंग के लिए, ये देखिए। और अंदर भी हैं एक आध। ये मेरा ऑरेंज कलर का है अमेर सेली, बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है फ्रेंड्स। इसका टाइम ही है फ्लावरिंग करने का। ये देखिए एक है और इसके बगल में भी एक स्टिक निकल रही है, इधर भी आ रही है। फ्रेंड्स, मेरा जो अगला प्लांट है वो है ये भी कनेर का ही प्लांट है, लेकिन कनेर की दूसरी वैरायटी है और ये भी बहुत इजी चलने वाला प्लांट है फ्रेंड्स और बिल्कुल लो मेंटेनेंस में चल जाएगा आपका ये प्लांट। इसे भी बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र या बहुत ज़्यादा वाटरिंग की ज़रूरत नहीं होती और इसे भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरा जो अगला प्लांट है वो है देसी सदाबहार। या हाइब्रिड वाले को तो थोड़ी सी केयर चाहिए रहती है, लेकिन इसे बिल्कुल भी केयर की ज़रूरत नहीं होती। और ये प्लांट विंटर में थोड़ा सा डॉर्मेंसी में चला जाता है बट समर में बहुत अच्छी सी फ्लावरिंग करता है और इसका एक वाइट कलर भी आता है फ्रेंड्स। और बहुत ही लो मेंटेनेंस वाला प्लांट है। फ्रेंड्स, मेरा जो अगला प्लांट है वो है मॉस रोज का। इसे भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं और इससे तो ढेरों सारे प्लांट्स बन जाते हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, ये काफ़ी सस्ते मिलते हैं नर्सरी में और आप इसे भी ला के अपने गार्डन में ज़रूर से ऐड करिए। अगर आप एक दो दिन वाटरिंग नहीं करते तो भी चलेगा और इन्हें भी बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती। फ्रेंड्स, मेरा जो अगला प्लांट है वो है अपराजिता का। ये भी बहुत ही मैं बहुत ज़्यादा हार्डी तो नहीं कहूँगी, लेकिन एक सबसे धूप तपती धूप में बहुत अच्छी सी फ्लावरिंग कर लेता है। ये 40-45 डिग्री तक टेम्परेचर को झेल लेता है फ्रेंड्स ये। और थोड़ा से वाटरिंग इसमें डेली चाहिए रहता है, लेकिन इससे भी बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती और कम केयर में ये अच्छा चलने वाला प्लांट है। फ्रेंड्स, मेरा जो अगला प्लांट है वो है बोगनविलिया। आप इसमें देख रहे हैं बर्ड्स आ रहे हैं। ये भी बहुत कम केयर में बहुत अच्छा चलने वाला प्लांट है फ्रेंड्स। इसे तो 3-4 दिन में एक बार ही पानी चाहिए रहता है और ज़्यादा पानी देने से ही खाली पत्तियाँ निकालेगा, फ्लावरिंग नहीं अच्छी करता। और फ्रेंड्स, ये बहुत ही हार्डी प्लांट होता है समर का और बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करता है ये। फ्रेंड्स, मेरा जो अगला प्लांट है वो है ये कैना लिली और इसे केली भी बोलते हैं फ्रेंड्स। ये भी बहुत ही हार्डी प्लांट होता है और इसे भी बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती। ये एक प्लांट्स आप इसे लेकर आते हैं तो कई सारे प्लांट्स इसके बन जाते हैं और बिल्कुल लो मेंटेनेंस वाला प्लांट है फ्रेंड्स। और ये भी अच्छी धूप में अच्छी सी फ्लावरिंग कर लेता है फ्रेंड्स। ये मेरा नाग चंपा है। ये भी बहुत अच्छी धूप में चलने वाला प्लांट है और फ्रेंड्स, इसे भी बहुत ज़्यादा वाटरिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती और इसे भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरा जो अगला प्लांट है वो है देसी गुलाब। इसे आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। अगर आप गुलाब के पौधों का शौक़ रखते हैं और ज़्यादा केयर नहीं कर पाते तो देसी गुलाब ही ऐड करिए। ये भी कम केयर में ही चलता है फ्रेंड्स और इसे भी बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं चाहिए रहता। अगर आप थोड़ा बहुत ही फर्टिलाइज़र इसमें डाल देते हैं तो भी बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेगा, बहुत अच्छे से आपके गार्डन में बना रहेगा। बस फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरा वीडियो कैसा लगा।
फिर मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक।